أنعمت عليهم عليهم البركة. صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. صلوات سيد محمد وآل محمد. شب جمعہ کی مجالس جو کہ پیغمبر خطی مرتبت کے اخلاق اور سیرت کی روشنی میں اور اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں گزشتہ مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر خطی مرتبت کی زندگی کے جو دو حصے ہیں، بعثت سے پہلے کا حصہ اور بعثت کے بعد کا حصہ، اور یہ دونوں حصے پیغمبر کی زندگی کے ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہیں. اور چاہے بعثت سے پہلے والی زندگی پر نگاہ کیجئے یا بعثت کے بعد والی زندگی پر نگاہ کیجئے، پیغمبر کی زندگی میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ بعثت کے پہلے والی زندگی کچھ اور تھی اور بعثت کے بعد والی زندگی کچھ اور ہو. ہاں، فرق صرف اتنا رہا کہ جب تک مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مکے کی گلیوں میں پیغمبر خطی مرتبت نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند نہیں کی تھی، ورنہ جو پیغمبر کا اخلاق و کردار بعثت سے پہلے تھا وہی اخلاق و کردار بعثت کے بعد بھی تھا. بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد کی جو زندگی، جو ایک بہترین نمونہ زندگی ہے پوری انسانیت کے لیے، اس سلسلے میں کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ پیغمبر خطی مرتبت جب بیٹھتے تھے تو کس انداز سے بیٹھتے تھے. پیغمبر
कभी भी टेक नहीं लगाते थे। कुरान खुसूसन अगर कभी तिलावत करते थे तो कभी आप टेक लगा के तिलावत नहीं करते थे, हमेशा ऐसे पैगंबर बैठते थे। और वैसे भी पैगंबर टेक नहीं लगाते थे। मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि अगर कोई सामने बैठा होता था तो पैगंबर पैर नहीं फैलाते थे, यहाँ तक कि अगर वो बच्चा भी कोई बैठा है तो पैगंबर पैर नहीं फैलाते थे। कोई भी घर की अगर फर्द बैठी हुई, पैगंबर पैर नहीं फैलाते थे। इसी तरीके से रास्ता चलने में नहायत ही मतानत और इत्मीनान से आप रास्ता चलते थे, नहायत ही मतानत और इत्मीनान से आपकी नज़रें झुकी हुई रहती थी, जो तरीक़ा कुरान ने बताया है, और नहायत ही मतानत और इत्मीनान से रास्ता चलते थे। कोई सामने मिलता था तो सलाम में सबकत करते थे, पहले आप सलाम करते थे, यहाँ तक कि अगर वो बच्चा भी कोई नज़र आ जाता था तो बच्चों को भी पैगंबर सलाम किया करते थे। और इसका असर ये होता था कि जब दोबारा वही बच्चा सामने आता था तो फिर पैगंबर को सलाम नहीं करना पड़ता था, बल्कि पहले ही से वो बच्चा शर्म में पैगंबर को सलाम कर देता था, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर जब गुफ्तगू फरमाते थे तो बहुत बुलंद आवाज से पैगंबर नहीं बोलते थे, या अगर कभी कोई अच्छी बात लगी तो कभी कहकहा नहीं लगाते थे, कभी बहुत ज़ोर से नहीं हंसते थे, बल्कि आपके लबों के ऊपर सिर्फ मुस्कुराहट आती थी और चेहरे से खुशी के आसार जाहिर होते थे। बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, चेहरा सुर्ख हो जाता था पैगंबर का। पैगंबर जब दस्तरखान के ऊपर बैठते थे तो एक जानू के ऊपर बैठते थे और जो सामने चीज़ रखी होती थी उसी को हाथ लगाते थे। और इसी तरीके से पैगंबर जो घर के ग़ुलाम या कनीज़ होते थे उनके साथ बैठना उस दस्तरखान के ऊपर पसंद करते थे, और ख़ुसूसन उनको बुलाते थे कि आओ हमारे साथ दस्तरखान के ऊपर बैठो। पैगंबर ख़त्मी मर्तबत जब किसी से हम कलाम होते थे या रास्ता चलते थे तो जो मतानत पैगंबर के यहाँ थी उस मतानत से दूसरा मुतासिर हो जाता था। पैगंबर की खिदमत में कोई भी आता था, किसी भी सिन्फ से ताल्लुक़ रखता हो, पैगंबर के मिलने के अंदाज़ में फ़र्क नहीं होता था। हमारे आपके मिलने में अंदाज फ़र्क हो जाता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, इससे ऐसे मिले, उससे वैसे मिले, पैगंबर कोई फ़र्क नहीं करते थे। पैगंबर की खिदमत में जो भी आता था पैगंबर एक अंदाज से मिलते थे उससे। अगर उसके लिए खड़े होना, अगर बच्चे के लिए खड़े हुए हैं तो बड़े के लिए भी खड़े होंगे, अगर अमीर के लिए खड़े हुए पैगंबर तो गरीब के लिए भी पैगंबर खड़े होंगे। इसी तरीके से अगर एक अमीर को आप रास्ता, जो आप पैगंबर का तरीका था कि अगर कोई पैगंबर से मिलने के लिए आया है तो पैगंबर दरवाजे तक आते थे उसको छोड़ने के लिए, अगर अमीर आया है तब भी, गरीब आया है तब भी, मुसाफिर आया है तब भी, और ख़ुद मक्के या मदीने से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आया है तब भी पैगंबर दरवाजे तक आके उसको छोड़ते थे। पैगंबर जहाँ कलाम में अदालत का ख्याल रखते थे, मिलने मिलाने में अदालत का ख्याल रखते थे, वहीं आम तौर से जो लोग पैगंबर की खिदमत में आते थे और पैगंबर की खिदमत में मुतालबा करते थे तो पैगंबर उसमें भी अदालत और इंसाफ का ख्याल रखते थे। पैगंबर की ज़िंदगी का हर हर गोशा हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और बेहतरीन आइडियल है, और इन्हीं गोशों में से पैगंबर जब कभी बच्चे घर में होते थे तो बच्चों के साथ पैगंबर खुद खेलते थे। हो सकता है किसी को अजीब सा लगे कि पैगंबर और खेल, हाँ पैगंबर खुद बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों के लिए नाका बन जाते थे, बच्चों के लिए सवारी बन जाते थे, अपनी पुश्त के ऊपर कभी हसनैन को सवार कर लेते थे और कभी अपने दोष के ऊपर हसनैन को सवार कर लेते थे। और इस तरीके से बच्चों को, इसी तरीके से अगर इमाम हसन इमाम हुसैन के अलावा भी
कोई बच्चा पैगंबर को नजर आ जाता था तो बच्चों का बड़ा एहतराम करते थे पैगंबर, और बच्चों की जो तरबियत के लिए पैगंबर ने एक अदब सिखाया जो आम तौर से हम बचपन ही से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ तादीब करने लगते हैं, डांटने फटकारने लगते हैं, पैगंबर इससे मना करते थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ भी दे उसको उसके हाल के ऊपर कि नहीं हमको कुछ कहना ही नहीं है, हमको कुछ सुनना ही नहीं है, जिस तरीके से आज के माहौल और आज के ज़माने में हो गया है कि बच्चों की तरफ से बिल्कुल लापरवाही और बेतवज्जोही कि हमको बच्चों को कुछ कहना ही नहीं है, वो बच्चा है वो कर रहा करने दो। ये तो नौजवान, जब बच्चे से नौजवानी की मंजिल में आ जाता, अरे वो तो नौजवान है नौजवान करने, जब जवान हो जाता है अरे वो हमारी सुनते ही कहाँ है, तुमने बचपन में उसको सुनाया ही कहाँ। अगर बचपन में सुनाया होता तो जवानी में तुम्हारी सुनता, लेकिन तुमने बचपन में उसको सुनाया ही कहाँ, जब सुनाने वाला टाइम था, जो सुनाने वाला वक्त था, जो तरबियत का वक्त था, उस मौके पर तो सुनाया नहीं। और अब जब नौजवान हो गया, जवान हो गया, अब कह रहे हो हमारी सुनता ही नहीं। तो जाहिर सी बात, अगर उस वक्त उसको सुनाते, उस वक्त समझाते, उस वक्त तरबियत करते, उस वक्त ये दर्स देते कि देखो बाप का कहा माना जाता है, माँ की सुनी जाती है, बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि नौजवानी की मंजिल में और जवानी की मंजिल में जाके वो सुनता। लेकिन जो मंजिल तरबियत की थी उस मंजिल में हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब जब नौजवानी की मंजिल में पहुंचा, जवानी की मंजिल में आया, अब जब नहीं सुनता है तो कहते अरे क्या करें, वो तो जवान है, अपनी सुनता ही कहाँ है। पैगंबर खत्मी मर्तबत जहां बच्चों से मोहब्बत करते थे वहीं बच्चों को अदब भी सिखाते थे, पैगंबर बच्चों को अखलाक भी बताते थे। खुद अदब सिखाने और अखलाक बताने के लिए पैगंबर ने कितनी हदीसें इरशाद फरमाई हैं कि देखो बच्चों को अदब सिखाओ, बच्चों को कुरान की तालीम दो, बच्चों को अच्छे से अच्छे नाम रखो और अच्छे से अच्छे नाम से उनको पुकारो। ये पैगंबर की तालीम है, पैगंबर की हदीसें हैं। और इस सिलसिले में जैसा कि इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो पैगंबर का अखलाक रहा, जो पैगंबर की सीरत रही, यही सीरत और यही अखलाक आपको जानशीन पैगंबर की मिलेगी। पैगंबर के जो जानशीन रहे यानी अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम, एक सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद, इन अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की सीरत आपको यही सीरत मिलेगी जो पैगंबर की सीरत थी। उनके बैठने का अंदाज, उनके खाने का अंदाज, उनके कलाम करने का अंदाज, उनके हंसने का अंदाज, इसी तरीके से सुलह की मंजिल में, जंग की मंजिल में, तबलीग के अमल में आप जितने भी मराहिल हैं आप देखें तो उन तमाम मौक़ों के ऊपर आपको इसी तरीके से नज़र आएंगे कि अगर पैगंबर के यहाँ ऐसे हालात वाकयात नज़र आए हैं कि पैगंबर ने ऐलान किया कि अगर किसी के ऊपर कोई हक बनता हो तो आए और मुझसे उस हक का मुतालबा कर ले, और एक शख्स हाजिर हो गया कि उसने कहा कि वो फला मौके के ऊपर आपकी वजह से हमको अजियत पहुंची थी, आपको तकलीफ पहुंची थी, पैगंबर ने फरमाया कि ठीक है हाजिर हूं मैं, अगर तुम कुछ उसकी अजियत देना चाहते हो, उसका कुछ बदला लेना चाहते हो, मैं बदला लेने के लिए तैयार हूं, हाजिर हूं। उसने कहा आप कमीज हटाइए, पैगंबर ने कमीज हटाई, शायद लोग समझे कि अरे ये क्या करेगा, ये शायद कुछ बेअदबी करेगा, कुछ बदतमीजी करेगा, कुछ शायद ताजियाना वगैरह मारेगा। बस जैसे ही पैगंबर ने कमीज हटाई उसने मोहर नबूवत के बोसे लाना शुरू कर दिए, एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक मरतबा हाथों को जोड़ के कहता या रसूलल्लाह हमें बदला नहीं लेना था, हमें तो मोहर नबूवत की जियारत करनी थी, हमको बदला नहीं लेना था, हमको तो मोहर नबूवत की जियारत करनी थी। और यही तरीका आपको मासूमीन के यहाँ भी नजर आएगा कि अगर कभी किसी ने कोई महसूस भी हो गया, किसी को कोई शिकायत है शिकवा है, तो आपने कहा कि ठीक है हाजिर हो, अगर तुम बदला लेना चाहते हो आओ हाजिर हो, जो कुछ कहो हम करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। तो यही तरीका, यहां तक कि जंग और सुलह में भी जो तरीका पैगंबर का था जंग और सुलह में, यही तरीका आपको अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम का सुलह और जंग के अमल में नजर आएगा। अगर पैगंबर
हुदैबिया के मौके के ऊपर कुछ शर्तों के साथ सुलह करते हैं। अगरचे खुद लोग एतराज कर रहे थे लेकिन पैगंबर उसके ऊपर कायम थे, उन शर्तों के पाबंद रहे पैगंबर कि जिन शर्तों के ऊपर आपने सुलह की थी। इसी तरीके से आप चाहे इमाम हसन की सुलह देख लीजिए, बाकिया दूसरे अइम्मा की जिंदगियों में भी अगर कभी ऐसे कोई हालात वाकयात आए तो उनके यहां भी देख लीजिए कि जिससे जो शर्त कर ली भले सामने वाले ने वो शर्त तोड़ दियो लेकिन इमामों ने उसकी मुखालफत नहीं की, कहा नहीं उसने भले तोड़ दिया हो लेकिन हमने उससे शर्त की है और हम मुआफिज़े कुरान है और कुरान कह रहा है कि जिससे वादा करो उसको पूरा करो। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जहां सुलह के अमल में आपको यह अंदाज और यह तरीका दिखेगा वहीं आप जंग के मैदान में देख लीजिए कि जंग के मैदान में आखिर वक्त तक पैगंबर का काम था लोगों को हिदायत करना, उनको वाज करना, उनको नसीहत करना, उनको समझाना कि जहां तक हो सके तलवार ना उठाना। आप अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी उठाइए, चाहे जंगे जमल देखिए और चाहे जंगे सिफीन, आपको दोनों जंगों में आपको ये मिलेगा कि अमीरुल मोमिनीन आखिरी वक्त तक समझाते रहे, बताते रहे, दिखाते रहे, हिदायत करते रहे, वाज करते रहे, नसीहत करते रहे और जब हर तरीके से हुज्जत तमाम कर दी है तब आपने जंग की है, उसके बाद आपने जंग की है। और यही अंदाज और यही तरीका जहां अमीरुल मोमिनीन के नजर आया वहीं खुद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक करबला में हुज्जत तमाम की है, आखिरी वक्त तक कि शायद इनमें से कोई ऐसा हो कि जिसके ऊपर कोई बात असर कर जाए और वो हिदायत पा जाए। अगर किसी की तरफ से अगर हमें कोई अजियत पहुंचे तो शायद उस अजियत सहने के बाद हम उसे माफ नहीं करेंगे, वो अगर हमारी तरफ आना भी चाहे तब भी उसकी तरफ से हम रुख मोड़ लेंगे कि इसने हमारे बेटे को मारा, इससे हम बात नहीं करेंगे, इससे हम कलाम नहीं करेंगे। लेकिन इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, करबला के मैदान में उन जालिमों को कि जिन्होंने पानी बंद कर रखा है, जिन्होंने फराक पे पहले बिठा रखे हैं, जिनकी वजह से छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूजे लिए हुए अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और उन्हीं मुखालिफों को इमाम हुसैन वास कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, शायद कुछ इनके अंदर कुछ हिस हो, शायद कुछ एहसास हो और इन्हीं एहसास करने वालों में एक नाम आता है हुर का कि जिसने इमाम हुसैन की जब खुतबे को सुना, इमाम के कलाम को सुना है, जब उमर साद की तरफ से जंग की तैयारियों को देखा है तो कांप गया हुर। अगरचे तारीख में और भी बहुत से ऐसे नाम मिलते हैं कि जो शबे आशूर या आशूर को खुद इमाम से आके मिले हैं यजीदी लश्कर की तरफ से इसी इमाम के वाज और इमाम के नसीहत की बुनियाद के ऊपर। आखिर वक्त तक शबे आशूर तो फिर भी कम से कम खाली पानी की बंदिश तक मसला था लेकिन सुबह आशूर इमाम के असहाब शहीद हो रहे हैं और इमाम अपने हाथों से एक एक कलाशा लेके आ रहे हैं और फिर भी वास कर रहे हैं अभी सवेरा है समझ जाओ, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं किसका बेटा हूं, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूं, मैं फातिमा जहरा का दिल बंद हूं, मैं हसन मुश्तबा का भाई हूं, अपना तारुफ करा रहे हैं इमाम हुसैन, बता रहे हैं, समझा रहे हैं जंग से बाज आ जाओ। यहां तक कि जब असहाब और अंसार शहीद हो गए और गोद के पालों की बारी आई है, इन गोद के पालों के जनाजे उठाने के बाद आया है कोई कायनात में ऐसा कि जो उन दुश्मनों को कि जिन्होंने गोद के पालों को मारा है उनको वास करे, उनको नसीहत करे, उनकी हिदायत करे, उनको दावत दे कि तुम जहन्नम छोड़ के जन्नत में चले आओ। ये हुसैन इब्ने अली हैं कि जो करबला के मैदान में खुतबा दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, अभी सवेरा है
अभी चले आओ, अभी हिदायत पा जाओगे, जहन्नम से निकल के जन्नत की तरफ आ जाओ। लेकिन कैसे बदबख्त थे कि जब इमाम हुसैन के इस कलाम का असर भी नहीं हुआ तो इमाम ने इसी खुतबे में एक जुमला इरशाद फरमाया कि मुझे मालूम है कि मेरे कलाम का असर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं, तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं। वरना इतनी साफ गुफ्तगू सुनने के बाद, ऐसे वाज और नसीहत के बाद, जहां जन्नत दिखाने के बाद इंसान के अंदर कोई तड़प ना हो, कोई बेकरारी ना हो, कोई बेचैनी ना हो, कोई हरकत ना हो, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ उस हराम गिजा का असर है कि जो तुम्हारे पेटों में है। इसी के बाद अब जो इमाम ने हमला किया तो आलम यह था कि फौजें भाग रही थी, अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद थी, इमाम हमला करते जाते थे और आवाज देते जाते थे, मलूनों कहां भागे जा रहे हो, तुमने मेरे अकबर के सीने पे पर्ची का फल लगा दिया। मलूनों कहां भागे जा रहे हो, तुमने मेरे अब्बास के शाने कलम कर दिए। मलूनों कहां भागे जा रहे हो, तुमने मेरे असगर के गले पे तीर मार दिया। अजादारो इमाम हमला कर रहे हैं, फौजों से अलमान अल हफीज की सदाएं आ रही है कि इसी दरमियान आवाज आई, हुसैन बस शुजात के जौहर दिखा चुके, अरे जरा सब्र का मुजाहरा करो। इस आवाज का आना था कि इमाम ने एक मर्तबा सर को झुका लिया, तलवार को नियाम में रख लिया। फिर क्या था, एक मर्तबा फौजें जो गई थी वो वापस होने लगी। अब आलम यह था कि कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार से हमला कर रहा था, राकिबे दोशे रसूल जीले फरस पर डगमगा रहा था, अजादारों घोड़े की बुलंदी से इमाम जमीन पर आए। इमाम जमाना ऐसे ही मौके पे फरमाते, सलाम उस पर कि जिसका जिस्म न जीन पर था न जमीन पर बल्कि तीरों के ऊपर मुअल्लक था। पस एक मर्तबा शिम्र आगे बढ़ा, अब जो गुस्ताखी की, इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर, बहन बुलंदी पे आई, ये अपना साथ मेरा माजाया जबा हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है। एक मर्तबा इमाम ने इशारा किया, बहन खैमे की तरफ जाओ, ज़ैनब खैमे की तरफ चली, उधर शिम्र का खंजर चला, जमीन कांप गई, आसमान हिल गया, फिजा में आवाज आई, अला कुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन बे करबला। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबी यन्क़लिबून, बिहक़ ज़हरा वाबीहा वबआलिहा वबनीहा। बार इलाह हमारे इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। महबूज शब जुमा है, शब मगफरत, शब रहमत, शब दुआ, शब मुनाजात, हम सब तेरे गुनहगार और ख़ताकार बंदे, बार इलाह हमारी गलतियों और ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनिगूं फरमा, दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान तशय्यो अमरीका और इसराइल और आले सऊद और उनके तमाम हमनवाओं को जलील ख़ार और नीज तो नाबूद फरमा। बार इलाहा जो मुमनीन मरीज हैं उनको शिफा अता फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मगफरत फरमा, ख़ास कर जिन मुमनीन के इस साल सवाब के लिए मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई है उन्हें मासूमीन के जवार में जगह अता फरमा, हम सब की आखरत बख़ैर फरमा, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों में और उनके नासरों में शुमार फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।